यही होगी, जो गांव में जाएंगे बच्चे झंडा लेके, तो पूरे गांव में घूम के आएंगे। तो 15 अगस्त को इस प्रोग्राम मनाया जाता है मेरे यहाँ गांव में, और ये मेरा विद्यालय, इसमें मैं भी पढ़ा हूँ छोटे में, और अभी देखो बच्चे पढ़ रहे हैं। और 15 अगस्त के दिन अब आज जाएंगे गांव में घूमने के लिए, तो पूरे गांव में घूम कर आएंगे, प्रभात फेरी कहलाती है घूमने के लिए। तो चलो देखते हैं, ये देखो एक शुरुआत से लाइन निकाल दी है आगे के लिए, ये देखो निकलती जा रही है, आगे लगा दी है, यहाँ से गेट से निकलेंगे सब लोग। जाएंगे गांव में घूमने के लिए, तो देखते हैं। यहाँ पर सब लोग खड़े कर लिए हैं, और अब देखना नारे लग रही है, और यहाँ पर नारे लग रहे हैं, और ये बच्चे नारे लगा रहे हैं। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं दूसरी स्कूल को, जो जूनियर हाई स्कूल है, ये प्राइमरी था छोटे बच्चों का, और वहाँ पे 6 से 8 तक का स्कूल विद्यालय है। और ये देखो बारिश हो रही है, और ये सब बच्चे जा रहे हैं दूसरी स्कूल में, जो इस तरफ है, ये देखो इधर इस पेड़ों के उस साइड है। तो चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं वहीं। चलो फिर जूनियर स्कूल का ध्वजारोहण हो रहा है, देखो बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है, इसलिए बच्चों को अंदर कर दिया। देखो बारिश हो रही है बहुत तेज, और बच्चों को अंदर कर रहे हैं इसलिए, क्योंकि वो लोग भीग जाएंगे। तो चलो अंदर देखते हैं। समस्त बच्चे, मेरे छोटे बड़े बुजुर्ग, सभी माता बहनें, हम दो शब्दों में कुछ कहेंगे। हम भारत के जवान करेंगे गांव का उत्थान, जवानों बड़े चलो, जवानों बड़े चलो, छुआछूत खावे दम दिल से हटा दे हम, गांव का सुधार हो, है जिसकी टूटी छान, बनेंगे उस पर आज मकान, जवानी बड़ो चलो, जवानी बड़ो चलो। जय हिंद। हमारे देश में आज से 75 साल पहले, या कौन सा दिवस मना रहे हैं, 75वां स्वाधीनता दिवस, कौन सा है, 75वां स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। आज से 75 साल पहले हमारे देश में अंग्रेजों का शासन काल था 200 साल तक माना, ठीक है, और उनको हमने हमारे देश से बाहर कर दिया था आज से 75 साल पहले। इसमें जो सबसे ज्यादा गणित भूमिका, जो सबसे ज्यादा मुखर लोग थे, सबकी फोटो यहाँ पे लगी है, सबको पहचानते हो ना, अपने देवी सबको फोटो का सबका नाम पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बताएं इनमें से, पता नेताजी कौन है, ठीक है, तो पता है ना ये है नेताजी, हमें गांधी जी को सबको पता ना, ये गांधी जी है, हमारे महापुरुषों का सबको पता होना चाहिए, ये गांधी जी है, ये उनका पूरा नाम, उनकी जन्म तिथि सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। इनकी बदौलत आज हम लोग स्वतंत्र देश में सांस ले रहे हैं, हमें कुछ भी करने की आजादी है, कहीं भी रह सकते हैं, तो पहले गुलामी का जीवन था, अब गुलामी कितनी बुरी चीज होती है सबको पता है ना, हाँ, ठीक। तो चलो अभी पानी बंद हो गया, तो हम लोग पहले प्रभात फेरी चलते हैं, ठीक, पहले प्रभात फेरी हो जाएगी, तो बाहर पानी आ जाओ। बच्चों को लाइन में लगाया जा रहा है, और गांव में प्रभात फेरी के लिए ले जा रहे हैं।
देखो लाइन लग रही है, फिर इसके बाद जाएंगे बच्चे गांव में घूमने के लिए, थोड़ा फेरी करके फिर स्कूल में होगा येल्लों का गाना आना और जो भी होगा। तो चलो फिर देखो। सागर पे तालाब पे ये ध्वजारोहण होगा, तो अभी हम जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद इत्यादि और चंद्रशेखर आजाद, महाराणा प्रताप, ऐसे मतलब जो है समस्त लोगों ने उसमें भाग लिया। अब इसके बाद मैं अनुरोध करूंगा। फिर रात फेरी से गांव से लौट के बच्चे स्कूल में आके प्रसाद लेके सब लोग चले गए हैं, और कुछ लोग जो गांव के लोग ग्रामीण बचे हुए हैं उन लोगों को प्रसाद दे दिया जा रहा है, तो वो लोग 15 अगस्त का प्रसाद लेके घर पे जाएंगे। हम भी प्रसाद लेके आए हैं और ये सब लोग। तो आई होप आप लोगों का 15 अगस्त का वीडियो कैसा लगा, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक अच्छे से लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हम लोग ऐसे वीडियो बना पाते हैं और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हम लोग आपको वीडियो ऐसा दिखा पाते हैं। तो आप लोग जरूर सपोर्ट करना। मैं अपने गांव का बना के दिखा दिया आप लोगों को, हम लोग इस प्रकार मनाते हैं। और आप लोगों को 15 अगस्त का और आप लोगों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। और 15 अगस्त की आप लोगों को सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ।